टाइम ट्रैवल की एक अनोखी कहानी जिसमें एक आदमी समय यात्रा करके अलग अलग टाइम में जाकर लोगों को मार रहा है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्या उसे कोई रोक पाएगा या नहीं, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक ट्रेन स्टेशन से होती है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसा कि नॉर्मल स्टेशन पर होता है, मगर जल्दी ही सब कुछ बदलने वाला है। यहाँ से हम देखते हैं कि एक ट्रेन चलने ही वाली थी, जहाँ उसके एक कंपार्टमेंट में काफी ज्यादा पैसेंजर्स बैठे थे। अचानक से लाइट फ्लिकर होने लगती है, जो कि काफी ही वियर्ड था, और तभी आसपास का स्पेस टाइम भी बैंड होने लगता है, और अचानक से एक आदमी टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ जाता है, और उसके आते ही सारे ही लोग एक झटके में दम तोड़ देते हैं और मारे जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ हमें आगे पता चलेगा। वहीं स्टेशन पर एक और लड़का उसी ट्रेन में चढ़ रहा था कि वो उसी टाइम ट्रैवलर को वहां से जाते हुए देखता है, जो कि उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब वो लड़का अंदर जाता है और अंदर का मंजर देख जहां कंपार्टमेंट के सारे ही लोगों की लाशें वहां पड़ी थी, जिन्हें देख उस लड़के के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वो टाइम ट्रैवलर ट्रेन से दूर चला जाता है। अब इसी इंसिडेंट की खबर FBI की स्पेशल सेल फ्रिंज को मिलती है। यहां हमें स्पेशल सेल्स के मेंबर दिखाए जाते हैं, जिनमें है एक साइंटिस्ट वोल्टर, उनका बेटा पीटर और ऑफिसर ओलिविया। सब लोग ट्रेन में पहुंचते हैं, जहां अब तक इस खबर से पूरे शहर में सनसनी फैल चुकी थी। अचानक से इतने सारे लोग कैसे मर गए? वोल्टर चेक करने पर पाता है कि सारे ही लोग एक ही टाइम पर अचानक से मर गए, जहां अचानक से उनके शरीर के सारे ही अंगों ने काम करना छोड़ दिया हो, जो कि काफी ही वियर्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पीटर यहाँ और भी कुछ अजीब नोटिस करता है, और वो पाता है कि सिर्फ लोग ही नहीं, उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फैंस, AC सब कुछ बंद पड़ा है, जैसे कि पूरे कंपार्टमेंट से अचानक से सारी एनर्जी खींच ली गई हो। तभी वही लड़का जिसने उस टाइम ट्रैवलर को ट्रेन से उतरते हुए देखा था, FBI को सब बताता है कि जरूर उसी ने कुछ किया है, क्योंकि जब वो कंपार्टमेंट में चढ़ने जा रहा था तब उसने उसे वहां से नीचे उतरते हुए देखा था। यहां से FBI सारी ही लाशों को लैब में ले आती है, ताकि और अच्छे से उनकी मौत का कारण उन्हें पता चल जाए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने उस लड़के के बताने के बाद CCTV के जरिए उस टाइम ट्रैवलर को भी ढूंढ लिया था, जहां वे कई सारी जगहों की फुटेज से पता लगाते हैं कि वो आखिर में एक रेस्टोरेंट में गया था, जिसके बाद से वो कहीं नहीं दिखा। ऑफिसर ओलिविया यहां से उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है और वेटर को टाइम ट्रैवलर का फोटो दिखाकर उससे उसके बारे में पूछती है। यहाँ वेटर को वैसे तो उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता था, पर जो कि उसने खाने का बिल करने के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज किया था, तो ओलिविया उसके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, उसका एड्रेस निकाल लेती है, और फिर FBI पूरी फोर्स के साथ उस एड्रेस पर पहुंचते हैं और पता लगाते हैं कि यहां कौन रहता है। उस वक्त वहां कोई नहीं था, मगर वहां किसी तरह की लैब बनी थी, जिसे देखकर सब लोग काफी ही हैरान थे, क्योंकि वहां वर्म होल से लेकर टाइम ट्रैवल की सारी ही इक्वेशंस लिखी हुई थी, जिसे देख वोल्टर, जो कि खुद भी एक साइंटिस्ट है, समझ जाता है कि ये सभी इक्वेशन किसी तरह की टाइम मशीन की हैं। वहां उन्हें एक ID भी मिलती है, जिससे वे उस आदमी का नाम जान पाते हैं, और ये उन सारे ही लोगों की मौत का कारण। उस टाइम ट्रैवलर का नाम एलिस्टर पैक है, जो कि MIT यूनिवर्सिटी में साइंस का प्रोफेसर है। वहीं अब तक वही टाइम ट्रैवलर एलिस्टर पैक वहां पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसके सारे ही सामान को, उसके रिसर्च को FBI लेकर जा रही है। वो जल्दी से अंदर आता है और उन्हें वहीं रुक जाने को कहता है। वहीं अब सारे एजेंट्स उस पर गन पॉइंट कर देते हैं और उसे खुद को सरेंडर करने को कहते हैं, जहां वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि एलिस्टर पैक के हाथ नॉर्मल नहीं है, उन्हें पूरी तरह से मॉडिफाई किया गया है। साइंटिस्ट वोल्टर ये देखकर समझ जाता है कि उसने एक्सपेरिमेंट करके खुद की ही बॉडी को टाइम मशीन में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ टाइम ट्रैवलर कहता है कि FBI को अभी उनकी सारी रिसर्च उन्हें वापस लौटानी होगी, और ऐसा करना ही उन सबके लिए ठीक रहेगा। ओलिविया कहती है कि तुम पहले ही बहुत सारे लोगों की जानें ले चुके हो, और अब तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारी कोई भी बात हम मान लेंगे। यहाँ टाइम ट्रैवलर एलिस्टर कहता है कि जो लोग कल रात मारे गए वो उस इवेंट को मिटा देगा, लेकिन अगर FBI ऐसे ही उसका पीछा करती रही तो वो अपने साथ पूरे शहर के लोगों की जानें जरूर गंवा देंगे। ओलिविया ये देख हैरान थी कि आदमी गन पॉइंट पर है, फिर भी कितनी बड़ी धमकी उन्हें दे रहा है। वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी एलिस्टर, जिसने खुद की ही बॉडी को टाइम मशीन में कन्वर्ट कर लिया था, अब अचानक से फिर से टाइम ट्रैवल करता है और एक ही झटके में फिर से पिछली रात को उसी ट्रेन में आ जाता है। यहाँ से सारे ही इवेंट्स फिर से शुरू होते हैं। एलिस्टर को अब पता है कि FBI उसकी रिसर्च को कल ले जाने वाली है, तो वो इस बार उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही उन्हें वहाँ से हटा देगा। वहीं अब इस बार भी वही लड़का एलिस्टर को ट्रेन से निकलते हुए देख लेता है। एलिस्टर उससे इस बार कहता है कि मुझे अफसोस है, तुम्हें फिर से सब कुछ वही सब सहन करना होगा। यहाँ से सारी घटनाएं आगे वैसी ही घटती है जैसे पहले घटी थी।
लड़का पुलिस को सब बताता है। वे सीसीटीवी के थ्रू एलिस्टर के घर तक पहुंच जाते हैं, मगर इस बार वहां सब कुछ खाली पड़ा था और एलिस्टर ने पहले ही टाइम ट्रैवल से जुड़े सारे फॉर्मूलाज वहां से हटा दिए थे। वहीं वहां घूमते वक्त सारे एजेंट्स को भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वे पहले भी यहां आ चुके हैं, ये घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं, मगर उन्हें नहीं पता था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वे इसी दिन को पहले भी जी चुके हैं। यहां घर से उन्हें बाकी कुछ तो नहीं मिलता, लेकिन एलिस्टर का एक कार्ड मिलता है जिसमें वे जान पाते हैं कि वो MIT यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है। यहाँ उन्हें एक फोटो एल्बम भी मिलती है जिसमें एलिस्टर एक लड़की के साथ बैठा है। तो वे सब जल्दी से MIT यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं एलिस्टर के बारे में पता लगाने के लिए, जो कि यहाँ एक प्रोफेसर है। दूसरी ओर एलिस्टर अब अपने टाइम फॉर्मूला को और अपग्रेड कर रहा है। अब एलिस्टर, जिसने खुद को टाइम मशीन में बदल डाला है, खुद को और अपग्रेड क्यों कर रहा है हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर FBI यूनिवर्सिटी में आ चुकी थी, जहां एक दूसरी प्रोफेसर FBI को बताती है कि एलिस्टर ने कई महीने पहले ही इस यूनिवर्सिटी में आना बंद कर दिया है। वो आगे कहती है कि एलिस्टर की फियांसे आर्लेट 10 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, जिसके बाद से ही प्रोफेसर एलिस्टर पूरी तरह से टूट गए और वे सब कुछ छोड़कर अपनी लैब में ही घुसे रहते थे और वे वहां किसी तरह की टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। वे अक्सर कहते थे कि वे इससे अपनी फियांसे को पास्ट में जाकर बचा लेंगे, जिसके बाद से सब लोगों ने उन्हें पागल समझना शुरू कर दिया और उनका मजाक बनाने लगे और इसी के बाद से फिर कभी यूनिवर्सिटी नहीं आए। और पिछले कुछ महीने में तो कैंपस के अंदर उनकी लैब भी बंद पड़ी है, जहां से FBI समझ जाती है कि उस फोटो में एलिस्टर के साथ उसकी फियांसे आर्लेट थी, जिसकी 10 महीने पहले 18 मई को एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और एलिस्टर उसे ही बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर शायद से वो टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो चुका है। लेकिन फिर वो लोगों को क्यों मार रहा है? आर्लेट को पास्ट में जाकर बचा क्यों नहीं लेता? यहां साइंटिस्ट वोल्टर समझ जाता है कि शायद से एलिस्टर का अपनी टाइम मशीन पर पूरा कंट्रोल नहीं है और उन्हें उसे जल्दी से ढूंढना होगा, इससे पहले वो और ज्यादा लोगों की जान खतरे में डाले। यहां से वे एलिस्टर का फोन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऑलरेडी बंद था, मगर वे पाते हैं कि उसकी फोन से आर्लेट का नंबर अभी भी चल रहा है। सो वे उसे ट्रेस करने लगते हैं, जहां से वो पाते हैं कि वो अभी MIT यूनिवर्सिटी की अपनी लैब में है। वे जल्दी से एलिस्टर को रोकने वहां पहुंचते हैं। FBI यहां अपनी पूरी फोर्स के साथ आई थी, लेकिन साइंटिस्ट वोल्टर उन्हें समझाता है कि पहले वो अकेला ही अंदर जाएगा क्योंकि एलिस्टर ऑलरेडी टाइम मशीन बना चुका है और अगर उसे खतरा महसूस हुआ तो वो टाइम ट्रेवल करके फिर से पास्ट या फ्यूचर में चला जाएगा और फिर हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। यहां बाकी के ऑफिसर वोल्टर की बात मान जाते हैं और उसे पहले अकेला ही लैब में जाने देते हैं। वोल्टर अकेला अंदर जाता है, जहां एलिस्टर अभी भी टाइम फॉर्मूला को अपग्रेड कर रहा था। यहां वोल्टर को देख वो चौंक जाता है और जल्दी से फिर से पास्ट में जाने लगता है, मगर वोल्टर कहता है कि उन्हें पता है कि एलिस्टर के पास टाइम मशीन है, मगर वे उसे रोकने नहीं आए हैं और उसे बस उससे कुछ बात करनी है। एलिस्टर ये सुन रुक जाता है। वोल्टर बताता है कि उन्हें सब पता चल गया है कि एलिस्टर अपनी फियांसे को बस उस एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो बाकी लोगों को क्यों मार रहा है। एलिस्टर बताता है कि वो खुद भी लोगों को नहीं मारना चाहता, मगर जब भी वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है उसकी मशीन आसपास की सारी ही एनर्जी खींच लेती है, जिसकी वजह से वहां आसपास के सारे ही लोग मारे जाते हैं और इसीलिए ट्रेन में इतने सारे लोगों की अचानक से एक साथ मौत हो गई, क्योंकि एलिस्टर के टाइम मशीन ने अचानक से उनसे सारी ही एनर्जी खींच ली थी। आगे एलिस्टर बताता है कि उसकी ये टाइम मशीन अब तक कंप्लीट नहीं हुई है और ये सिर्फ एक ही दिन पास्ट में जा रही है, मगर वो ये टाइम फॉर्मूला कंप्लीट करने में बहुत करीब है, जिसके बाद वो पूरे 10 महीने पास्ट में जाकर अपनी फियांसे को भी जान से मरने से बचा लेगा और वहां से सारे टाइमलाइन चेंज हो जाएगी और वे लोग जो कि उसकी वजह से ट्रेन में मारे गए हैं वे बदल चुके उस नई टाइमलाइन में कभी मरेंगे ही नहीं। वाल्टर यहां से सब समझ चुका था और वो कहता है कि ठीक है, वो खुद उसकी उस टाइम मशीन को पूरा करने में मदद करेगा, मगर जब वो पास्ट में जाएगा तब जहां वो टेलीपोर्ट होगा क्या वहां के लोग नहीं मरेंगे? एलिस्टर कहता है कि वो खुद को ऐसी खाली जगह पर टेलीपोर्ट करेगा जहां लोग होंगे ही नहीं और उसके टाइम मशीन सिर्फ पेड़ पौधों से ही एनर्जी खींच पाएगी। अब वाल्टर यहां से एलिस्टर के टाइम फॉर्मूला को कंप्लीट कर देता है, जिसके बाद अब एलिस्टर 10 महीने पास्ट में जा सकता है, मगर वोल्टर कहता है कि वो कुछ भी कर ले सब कुछ ठीक नहीं कर पाएगा। एलिस्टर समझ नहीं पा रहा था क्योंकि अब तो सब कुछ उसके हाथ में है, वो खुद भी टाइम को कंट्रोल कर सकता है। वोल्टर उसे खुद के बारे में सब बताता है और यहाँ से एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वोल्टर कहता है कि वो खुद भी एक साइंटिस्ट है और उसने पैरेलल वर्ल्ड की खोज कर ली थी। जब वोल्टर का बेटा मारा गया था तो उसने खुद को पैरेलल वर्ल्ड में भेजा और वहां से वो अपने ही दूसरे वर्जन के बेटे को इस यूनिवर्स में ले आया, यानी कि पीटर, जो कि FBI में काम करता है, वोल्टर का बेटा है, मगर वो इस यूनिवर्स का नहीं है। जब वो छोटा था तब वोल्टर उसे पैरेलल वर्ल्ड से यहाँ ले आया था।
वोल्टर एलिस्टर से कहता है कि उसने अपने बेटे को हासिल कर लिया, मगर उसके स्पेस टाइम से छेड़छाड़ करने की वजह से पूरा पैरेलल वर्ल्ड तबाह हो गया और वो आज तक उस घटना से उबर नहीं पाया है। जितनी बड़ी गलती उसके हाथों से हो गई थी, और उसने पीटर को अभी तक सच नहीं बताया है कि वो यहाँ से नहीं है और ये यूनिवर्स उसका यूनिवर्स नहीं है। वोल्टर एलिस्टर से कहता है कि इसलिए तो हमें पास्ट की घटनाओं से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और जो भी हो चुका है उससे आगे बढ़ना चाहिए। एलिस्टर कहता है कि वो इतना आगे आकर अब पीछे मुड़ने की सोच भी नहीं सकता और अब वो 10 महीने पास्ट में उसी दिन में जा रहा है जिस दिन 18 मई को उसकी फियांसी आर्लेट की मौत हुई थी। अब वोल्टर को अंदर आए काफी देर हो चुकी थी, सो एफबीआई की टीम अंदर घुस जाती है, जिसे देख एलिस्टर जल्दी से टाइम ट्रैवल करके अब 18 मई को पहुंच जाता है और अपने कहे मुताबिक उसने खुद को एक खाली जगह पर टेलीपोर्ट किया था जहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। वो जल्दी से भागता है क्योंकि कुछ ही देर में एक्सीडेंट होने वाला है। वहीं दूसरी ओर आर्लेट कार में बैठ चुकी थी और वो चलने ही वाली थी कि तभी एलिस्टर वहां पहुंच जाता है और उसे वहीं रुकने को कहता है। वो खुश था कि फाइनली उसने आर्लेट को तो बचा लिया है और वो सोचता है कि वोल्टर बेवजह ही डर रहा था कि टाइम ट्रेवल करने से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मगर तभी साइड से एक कार आती है और उनकी कार से आकर टकरा जाती है, जिसमें अब इस बार एलिस्टर और उसकी फियांसे आर्लेट दोनों ही मारे जाते हैं। यानी कि एलिस्टर ने पास्ट को बदलने की कोशिश तो की, मगर आर्लेट का इस दिन मरना तय था और इस बार उसके साथ एलिस्टर भी मारा गया। अब 10 महीने गुजर चुके हैं जहां एलिस्टर इस टाइमलाइन में है ही नहीं क्योंकि वो 10 महीने पहले ही मर चुका है। तो इस बार कोई नहीं मरता। वहीं लास्ट में हमें वोल्टर दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे पीटर को सच बताने के लिए लेटर लिख रहा है कि वो इस यूनिवर्स से नहीं है और वोल्टर उसे अपने इस यूनिवर्स के पीटर की मौत के बाद पैरेलल यूनिवर्स से ले आया था और उसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू।